मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और कई दिनों से नटशल के चैनल पे वीडियोस नहीं आ रहे थे, तकरीबन 7 दिनों से। वजह यह है कि मैं चाहता था कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो एस्पायरिंग एस्पिरेंट्स हैं, उन सबको वीडियो और ऑडियो क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में अच्छी क्वालिटी की वीडियोस मिले और अच्छी क्वालिटी की ऑडियो आए। इस वजह से 7 दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिसर्च करा और उसके बाद एक कैमरा हम लोगों ने फाइनली खरीद लिया है दोस्तों, और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए है ताकि आप लोगों को अच्छा कॉन्टेंट दे सकें। कैमरा हम लोगों ने परचेज किया है, 2-3 दिन हुआ है उसमें, अभी तक हम लोग यूज टू नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोग यूज टू हो रहे हैं, स्लोली सीख भी रहे हैं उसके लिए। कैमरे का नाम है कैनन EOS M50 मिररलेस मार्क टू। दोस्तों आज का जो वीडियो है, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। वो डिस्क्लेमर यह है कि जो एग्जाम्स हैं, जो 10 अक्टूबर को होने वाली है, उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं SMS के माध्यम से या WhatsApp के माध्यम से, Facebook पे, कहीं पे भी, Twitter पे पूछ रहे हैं कि what is the टाइम पीरियड जहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नॉर्मली लोग कहते हैं 1 साल या 1.5 साल। ट्रस्ट मी गाइज, 6-6 बार प्रीलिम्स निकालने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कौन से एस्पेक्ट में करंट अफेयर्स ज़्यादा रेलेवेंट है, कौन से पीरियड में करंट अफेयर्स ज़्यादा रेलेवेंट है, और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस करके है। जो भी आपका पेपर बनाएंगे वो सबसे पहले अगर हम लोग 10 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें तकरीबन 60% to 65% क्वेश्चन जो होंगे वो जनवरी 2021 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक होंगे। रादर जनवरी 2021 से अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं करंट अफेयर्स, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि आपको जनवरी 2021 से बहुत मेहनत से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, याद करते रहना है एकदम, जिसको कहते हैं रट्टाफिकेशन, और जैसे ये खत्म हो जाएगा स्लोली स्लोली पीछे की तरफ बढ़ना है। जैसे पहले फिर जैसे जनवरी से जून तक का पीरियड 2021 का खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पीछे जाना पड़ेगा दिसंबर, उसके बाद नवंबर, इस तरह से करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो हम लोग 2020 जनवरी से शुरू करें, फिर आपका सिलेबस ही खत्म नहीं होगा, यू विल बी एब्सोल्युटली आउटडेटेड, ठीक है, इसमें टेंशन और बढ़ जाती है। तो पहला हमारा फोकस रहेगा कि 60-65% करंट अफेयर्स जो आप पूछा जाएगा वो जनवरी 2021 से पूछा जाएगा, ये तो आप गांठ बांध दीजिए और इसी के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें। और उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा जून के एंड तक, तो आप पीछे की तरफ जाइए दिसंबर नवंबर और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। आज का जो वीडियो है दोस्तों वो 1 जून के हिंदू न्यूज़पेपर को लेकर के है। हालांकि 1 जून के ऊपर जो हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन था वो ऑलरेडी न्यूज़ के हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, बावजूद उसके मैं आज ये फिर से 1 जून का न्यूज़पेपर आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने कई दफ़ा इंटरनेट पर सर्च किया है और मैंने देखा कि बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इन पर्टिकुलर जो न्यूज़ आइटम्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, इसको नोट्स में कैसे तब्दील किया जाए, नोट्स कैसे बनाया जाए। लोग कहते हैं डायरी मेंटेन कीजिए और छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखिए, लेकिन किसी एक वीडियो में भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि नोट्स लिखें तो कैसे लिखें, दिखता कैसा है नोट्स, जब हम हिंदू से नोट्स बनाते हैं तो नोट्स दिखते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर तो बहुत वीडियोस हैं, लेकिन बना बनाया नोट्स का वीडियोस आपको नहीं मिलेगा, और वो भी कैसे नोट्स, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो नॉर्मली एस्पिरेंट्स बना सकते हैं डेली बेसिस पे। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये न्यूज़पेपर जो है वो तकरीबन 14 पेज का है, बड़े बड़े आर्टिकल जिसमें सब कुछ हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है इस 14 पन्ने के न्यूज़पेपर को हम लोग नोट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखा दोस्तों आप लोगों के लिए नोट्स, यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से देख पाएंगे कि नोट्स बनाते कैसे हैं। दोस्तों मैं पूरा का पूरा न्यूज़पेपर को ही यहाँ पे 5 पेजेस में लिखा हूं, आप लोगों को नोट्स ऐसे बनाने पड़ते हैं। प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, यू विल नॉट गेट इट इन दिस फॉर्म इन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स इन यूट्यूब चैनल्स, किसी में भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी, तो प्लीज पे अटेंशन। 5 पेजेस है, मैं 5 पेज डिस्कस करूंगा, यू विल गेट टू नो कि हाउ टू क्रिएट नोट्स आउट ऑफ हिंदू इन दिस फॉर्मेट, जो कि आपको लगेगा कि हाँ ये भाई ये डुएबल है। वरना 35-40 मिनट के वीडियोस देखने के बाद उससे नोट्स बनाते अगर उससे नोट्स बनाने लगे आप, तो अल्टीमेटली पता है क्या होगा ये कि आप 40 मिनट का वीडियो जो है वो 3-3 घंटे में खत्म करेंगे। तो यू विल एंड अप मेकिंग अनदर न्यूज़पेपर का स्टोर जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या जहां पे आप नोट्स बना रहे हो उस पर होगा। तो बेटर यह है कि किस तरीके से नोट्स बनाना है वो मैं आपको अभी यहाँ पे सिखा भी रहा हूँ और लाइव दिखा भी रहा हूँ। देखिए पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, GDP श्रिंक बाय 7.3%। आपको यहाँ पे कैसे बनाना है, GDP जो है श्रिंक कर गया 7.3% फोर्थ क्वार्टर में, अपटिक हुआ है मॉडरेट, और 2021 मतलब कहने के मतलब यह है कि जो 2020-21 में जो हमारी फोर्थ क्वार्टर जो 2020-21 का था उसकी सिचुएशन इतनी खराब थी कि थोड़ा सा फोर्थ क्वार्टर अपटिक होने की वजह से थोड़ा सा मॉडरेट कंडीशन आया है, मतलब पिछले साल से थोड़ा सा मॉडरेट कंडीशन आया, थोड़ा सा बेटर हुआ है इन द फोर्थ क्वार्टर, ये बोला जा रहा है। हालांकि GDP जो है वो श्रिंक कर गई है 7.3%। कारण क्या है, मेन कारण है कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड वेव मतलब हम लोग कोविड की बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ रिवाइज बेस इफेक्ट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रिवाइज बेस इफेक्ट और कोविड के सेकंड वेव की वजह से जो है हमारा ये GDP जो है और श्रिंक किया है। न्यूज खत्म। अब इसमें से क्वेश्चन या तो GDP के डेफिनेशन से बन सकता है या तो रिवाइज बेस इफेक्ट या बेस इफेक्ट क्या होता है इससे बन सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक प्राइस होनी चाहिए पूरे वैक्सीन का थ्रू आउट द कंट्री। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार को जबरन कहा है कि आप जो है सिंगल प्राइस में दवाई बेचें, सिंगल प्राइस में आप वैक्सीन लगाएं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्राइसेस ना लगाएं, तो सिंगल प्राइस फॉर वैक्सीन अक्रॉस नेशन सेंटर्स। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीजों पर क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन किया कि सेंटर की जो प्रोक्योरमेंट है उसमें कहा गया कि 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय करेगी और उसके बाद जो रिमेनिंग 50% है वो स्टेट गवर्नमेंट बाय करेगी। हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब बाय करते हैं प्राइवेट कंपनी से तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है, उसमें बार्गेनिंग करने की क्षमता ज्यादा होती है, हालांकि स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है। तो ये इसके वजह से क्या होता है, जो 150 रुपये का वैक्सीन है वो कई कई जगह पर जहाँ पे सेंट्रल 150 रुपये में ले रही है वहाँ पे कई कई जगह पे स्टेट्स कंपैरेटिवली स्टेट्स जो हैं
स्टेट्स जो हैं वो इसी चीज को ले रही है ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास, ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास, तो उसी हिसाब से वैक्सीन की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या, फ्यू स्टेट्स जो सर बड़े स्टेट्स हैं, वेल टू डू स्टेट्स हैं, वो लोग खुद के लिए ग्लोबल टेंडर्स निकाल रहे हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर। जब वैक्सीनेशन ड्राइव एक नेशनल लेवल पे हो रहा है तो क्यों सेंटर और स्टेट के बीच में इतना तनाव है? ठीक है, टॉपिक खत्म। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस तरीके से पूछा जा सकता है, देखिए बात करते हैं। जो वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, उनका नाम है आलापन बैनर्जी। ठीक है, फेडरल इशू है, सेंट्रल स्टेट के रिलेशनशिप को लेकर बात हो तो फेडरल इशू है। टसल चल रहा है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल के जो हाल ही में असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, असेंबली इलेक्शन के जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, जहां पे बीजेपी जो है बहुत बुरी तरह से हारी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्यूरोक्रेसी एंड ऑफिसर्स की स्थिति क्या हो जाती है जब ऐसे सेंटर स्टेट में टसल चलता रहता है, तो इनकी स्थिति सबसे खराब होती है, इनकी स्थिति सबसे खराब होती है। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि ये जो याश बोल के जो साइक्लोन अभी आया था, इसके अंतर्गत एवरी चीफ सेक्रेटरी की ये जिम्मेदारी होती है कि उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि जब भी ऐसा कोई विपदा आए तो वो किस तरीके से डील करें रिसोर्सेज को लेकर, किस तरीके से मीटिंग्स में अटेंड करें, मीटिंग्स को कंडक्ट करें, सर्वे करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि ये यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्लैश चल रहा है और ये जो चीफ सेक्रेटरी है वो सेंट्रल की तरफ ना जाकर स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, इस चक्कर में क्या हो रहा है और दे भी क्या रहे हैं, मतलब उनको जबरन करना भी पड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीफ सेक्रेटरी को सेक्शन 51 ऑफ द डीएमए एक्ट, डीएमए मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, सेक्शन 51 ऑफ द डीएमए एक्ट के अगेंस्ट में चीफ सेक्रेटरी को सू किया, समन किया, शो कॉज किया, टू बी ऑनेस्ट शो कॉज किया। आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा टेंशन हो जाता है, मतलब एक आदमी सेंट्रल की बात मानना चाहिए क्योंकि वो आईएएस है लेकिन उसको सैलरी दे रही है स्टेट गवर्नमेंट, इसका रिटायरमेंट होने वाला था 31 मई में, तो बेचारा वो करे तो किसकी करे, सुने तो किसकी सुने, ये समस्या आ रही है। और इसके वजह से क्या हो रहा है, कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहा है, टेक्निकली हमारा ब्यूरोक्रेसी जो क्रैश कर रहा है बिकॉज ऑफ द ओवर इंटरफियरेंस ऑफ द पॉलिटिकल क्लास। बात समझ आ रहा है, तो चलिए ये वाला आपका थर्ड टॉपिक भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ टॉपिक क्या है, टाइम टू लिमिट। यहां पे देखिए टाइम डिफाइन करना चाहती है सेडिशन को, मामला क्या है तुरंत पढ़ लेते हैं, देखिए दो दो तीन दिन लाइन में हो जा रहा है, इसी को कहते हैं हिंदू का नोट्स बनाना। दोस्तों ऐप से इस तरीके से नोट्स बनाकर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग आगे चलकर नोट्स इस तरह से बना सके, एक भी ऐसा वीडियो YouTube में नहीं है जिसमें इस तरीके के नोट्स को इस तरीके से बनाया गया हो जिससे एक्सपीरियंस को लगे हाँ यार ये तो डूएबल है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा 30-40 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा फिर 3 घंटे का नोट्स बनाए, दिस इज वेरी सिंपल वेरी डूएबल, ओनली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ टॉपिक क्या है, टाइम टू लिमिट, लिमिट करना चाहती है किस किस को, एप्लीकेशन ऑफ यूज ऑफ सेडिशन लॉ, सेडिशन लॉ को यूज जो करती है उसको लिमिट करना चाहती है। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी इज एट स्टेक। हुआ क्या है, हुआ यह है कि आंध्र प्रदेश में 2 तेलुगु चैनल्स हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग करी है कि सरकार ने बहुत ही बुरी तरीके से मिसमैनेज किया कोविड क्राइसिस को, और इन्होंने इस चीज को सोशल मीडिया में पोस्ट किया बिकॉज दे वर रिपोर्टर्स। लेकिन जब यह हो गया है तो इन रिपोर्टर्स के अगेंस्ट पे सेडिशन का केस फाइल कर दिया है वहां की सरकार ने, और केसेस क्या लगाया, सेक्शन 124A, 153A, 505 IPC, ये सारे के सारे प्रोविजन जो है वो सेडिशन के हैं। आप समझ रहे हैं, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, कोर्ट कह रही है कि देखो ये रिपोर्टर का काम है बताना, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आर्टिकल 19 के तहत, यहां पे आपको आर्टिकल 19 भी ऐड कर सकते हैं, आर्टिकल 19 के साथ आर्टिकल 21 के तहत सब लोगों को ये अधिकार है कि वो सच्चाई जाने, और सच्चाई जानने का एक माध्यम यह है कि मीडिया जो है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी भी तरीके का मीडिया हो, इसकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि इंसान तक जो पब्लिक है उन तक ये इन्फॉर्मेशन दे। लेकिन अगर वो दे रही है तो सरकार नहीं चाहती है कि सरकार को कोई क्रिटिसिज्म करे, मतलब सरकार क्रिटिसिज्म सुन नहीं सकती, डिसेंट सुन नहीं सकती, तो मतलब क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी वायलेट हो रहा है, समझ में आ रहा है। इसीलिए कोर्ट कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, सेडिशन जो है उसको बहुत ही लिमिटेड तरीके से एप्लीकेशन करनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इट विल बी अगेंस्ट दी कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो कहता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के खिलाफ जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के खिलाफ जा रहा है अगर इस तरीके की मिस यूज होगी सेडिशन लॉ की। बस समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए यहां पर लक्षद्वीप के बारे में मामला क्या है, देखिए 4 पॉइंट में खेल खत्म हो गया। लक्षद्वीप में कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं By the new administrator प्रफुल पटेल, इनका पूरा नाम है प्रफुल खोडा पटेल, इन्होंने कुछ स्लू ऑफ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे हैं जिसमें से टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, और इस चक्कर में क्या करा है, ये कल्चर जो लक्षद्वीप में है उसको चेंज कर दिया है, अब वहां पे लक्षद्वीप में बीफ जो था उसको बैन कर दिया है, वहां पे टूरिज्म के चक्कर में लक्षद्वीप में कोविड की जो केसेस एक भी नहीं थे वहां पे केसेस 6,000 के ऊपर चले गए हैं बिकॉज ऑफ यूजलेस और शॉर्ट साइटेड रिफॉर्म्स ब्रॉट बाय प्रफुल खोडा पटेल। और इसी चक्कर में क्या हो रहा है, लक्षद्वीप के लोगों का वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है केरला गवर्नमेंट, और केरला में बहुत सारे प्रदर्शन भी हो रहे हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, उद्देश्य क्या प्रोटेस्ट का कि जितने सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनको आप वापस लेने, तो ये मामला है लक्षद्वीप वाला इशू। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये वाला जो है आईपीएस वाला डॉक्टर्स आईपीएस ड्रीम, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए क्या हो रहा है कि आईपीएस बनने के लिए आपको कुछ फिजिकल क्वालिफिकेशन चाहिए, फिजिकल क्वालिटीज चाहिए, लंबाई चौड़ाई आईसाइट ये सब,
तो उसमें क्या हुआ है कि जो कंडीशन सर्विस कंडीशन दी गई हैं आईपीएस की, वो 1951 के समय बनाई गई थी और उसके बाद कभी भी अपडेट नहीं करी गई। अब देखिए, इंसानों का जो हाइट होता है, जो रहन सहन होता है, जो ढांचा होता है, वो ज्योग्राफी के अनुसार बदलता है। इसमें अगर किसी को भी थोड़ा सा ह्यूमन ओरिजिन के बारे में किसी ने अगर पढ़ रखा है तो उसको समझ में आ जाएगा, ये ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन, ह्यूमन ओरिजिन एवोल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं, इससे समझ में आ जाएगा कि ज्योग्राफी के ऊपर बेस करके फिजिकल फीचर्स जो इंसान के होते हैं वो बदलते हैं। तो एक आदमी वहां पे एस्पिरेंट थे, वो आईपीएस के लिए उम्मीदवार थे और वो आईपीएस बनने के लिए एग्जाम्स भी अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके थे, लेकिन सिर्फ 2 या 2.5 इंच के लिए उनको जो है नहीं लिया जा रहा था। और ये उनकी सबसे बड़ी तकलीफ हो रही थी उनको कि यार मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूं लेकिन थोड़ा सा हाइट के लिए 1.5 इंच के लिए हमको निकाला जा रहा है। उन्होंने कैट में अप्लाई किया, कैट में अपील किया, कैट इज ट्रिब्यूनल, सेंट्रल ट्रिब्यूनल है, वहां पे अपील किया और उन्होंने इसकी जो प्ली है उसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, अब जो है मामला वो यह है, फाइल किसने कराया, फाइल कराया अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। मुद्दा क्या है, देखिए जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है वो जिस समय फ्रेम की गई थी उस समय अरुणाचल प्रदेश जो है वो आसाम का पार्ट हुआ करता था, लेकिन क्योंकि जितने सारे बेनिफिट्स आसाम को एक्सटेंड करी गई हैं उतने सारे बेनिफिट्स अरुणाचलीज को भी एक्सटेंड करवाने चाहिए, जिससे जो है ये छोटे मोटे जो हाइट वाइट का चक्कर है या मेडिकल का चक्कर, फिजिकल जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें थोड़ा सा जो है कंसेशन दे सके, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन, उनकी उनकी जो स्ट्रक्चर है फिजिकल स्ट्रक्चर उन लोगों की थोड़ी सी डिफरेंट है। तो वन हाइट फॉर ऑल ये गलत चीज है, वन फिजिकल सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर एवरी पीपल अक्रॉस द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये गलत चीज है और इसी के ऊपर केस फाइल किया गया। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली अपडेशन नहीं होने की वजह से हो रहा है। दूसरी बात ये कि अगर बेनिफिट जो है अपना आसाम को दे रखा है तो अरुणाचल को भी मिलना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल जब ये सर्विस कंडीशन बन रही थी तो अरुणाचल आसाम का पार्ट हुआ करता था। बस नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, गौतम गंभीर वाला जो केस है उस पर बात करेंगे, गौतम गंभीर वाले केस पर बात करेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए गौतम गंभीर वाला जो केस है उसमें कोर्ट ने यह कहा है कि देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ पीपल ट्राइंग टू टेक एडवांटेज, एडवांटेज मतलब किस चीज का एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, एडवांटेज ऑफ देयर पोजीशन। ठीक है, सिचुएशन अभी हमारे यहां पे क्या है, कोविड, और पोजीशन क्या है, आप एक एमपी हैं, बात समझ में आया, एंड देन ट्राइंग टू अपियर एज अ सेवियर। मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि गौतम गंभीर ने 2343 स्ट्रिप्स ऑफ टैबलेट जिसका नाम है फैबीफ्लू, इसको जो है ऑर्डर किया था और ये उन्होंने होर्डिंग के तहत, मतलब इनके इन्होंने ये कहा था कि ये मेडिसिन जो है ये कोविड पेशेंट्स के लिए यूजफुल होता है, लेकिन जब इन्होंने इसको मंगवाया इतने भारी नंबर्स में तो इससे क्या हो गया कि मार्केट में हो गई है बहुत बड़ी क्राइसिस। तो ये एक तरीके का होर्डिंग जैसा हो गया, क्योंकि इसने सप्लाई सिस्टम को जो है थोड़ा सा ब्रेक कर दिया और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अभी भी नहीं हुई है, जो ड्रग कंट्रोलर है उन्होंने अभी तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि इतने सारे ड्रग्स जो हैं, इतने सारे टैबलेट जो हैं गौतम गंभीर ने क्यों मंगवाए। जब मामला सामने आया तो गौतम गंभीर ने यह कहा कि मैं तो सबके लिए प्रोवाइड करना चाहता था ये मेडिसिन, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए जुडिशियरी ने कहा है कि जो टेंडेंसी आपकी है वो है एडवांटेज लेने की, लेकिन जैसे आप पकड़े जाते हो तो आप अपियर करना चाहते हो, अपना आपको दिखाना चाहते हो एज अ सेवियर, तो ये साहब नहीं चलेगा। तो यहां पर अगर आप देखें न्यूज में, यहां पे भी ये लिखा गया है, द दिल्ली हाई कोर्ट मंडे रिजेक्टेड द केस एज अ ट्रैश स्टेटस रिपोर्ट जो है, जो दिल्ली के जो ड्रग कंट्रोलर है उनकी रिपोर्ट को ट्रैश कचरा कहा है, और ये कहा है कि जो बीजेपी एमपी गौतम गंभीर प्रोक्योरिंग ह्यूज नंबर ऑफ फैबीफ्लू यूज फॉर ट्रीटिंग कोविड पेशेंट व्हेन दे वर इन शॉर्ट इन सप्लाई इन द कैपिटल, दिस टेंडेंसी ऑफ पीपल ट्राइंग टू टेक एडवांटेज एंड ट्राइंग टू अपियर एज अ सेवियर, दिस हैज टू बी डिनाउंस्ड। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि द ड्रग कंट्रोलर हैज नॉट डन एनी इन्वेस्टिगेशन एज टू हाउ अ लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ 2343 स्ट्रिप्स ऑफ टैब फैबीफ्लू वाज सप्लाइड टू गौतम गंभीर। ठीक है, गौतम गंभीर फाउंडेशन, अब देख रहे हैं प्राइवेट इंसान के फाउंडेशन में इतना सारा जो टैबलेट्स है वो कैसे पहुंचा। जो क्वेश्चनेबल चीज है वो ये है कि ड्रग वाज इन शॉर्ट सप्लाई, ठीक है, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन में आ रहा है। और देखिए हाउ गौतम गंभीर वाज एबल टू परचेज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द गर्ग हॉस्पिटल। गर्ग हॉस्पिटल मतलब इनके यहां से जो फाउंडेशन है गौतम गंभीर फाउंडेशन, इनके जान पहचान के एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है गर्ग हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर मनीष गर्ग जो है उन्होंने ये एक लेटर लिख के दिया था, इससे उसके बेसिस पे जो है गौतम गंभीर ने इतनी सारी दवाइयां मंगवाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉरी हाई कोर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैन एनीबॉडी टेक अ लेटर फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड से गिव इट ड्रग टू मी, ऐसा कह सकता है कि कहीं से भी आपने लेटर ले लिया और कंपनी के पास जाकर बोलता अब ये रहा लेटर मुझे अब ड्रग दे दो। हियर इज अ मैन हु इज होल्डिंग थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ मेडिसिन, ही इज इंटरप्टिंग द फ्लो ऑफ द मेडिसिन, आपको समझ में आ रहा होगा यही मेन मुद्दा है। ठीक है, इसको लिखा कैसे गया 3-4 लाइन्स में, इसी तरीके से दोस्तों आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं एट इशू क्या है, सेकंड डोज को लेकर के काफी ज्यादा डिस्टेंट ड्रीम लग रहा है, क्यों, क्योंकि एक तो ड्रग्स जो है वो फ्री में अवेलेबल नहीं है 18 से 44 के ग्रुप में। देखिए दोस्तों ये सारी जो न्यूज है ना उसमें काफी बदलाव आया है, अभी ये फ्री हो गया है लेकिन मैं ये 1 जून के बारे में बात कर रहा हूं, इससे थोड़ा आपको अलग लगेगा। अब यहां पे इशू क्या है कि व्हाट विल हैपन इफ वी मतलब जो नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल पब्लिक है वो कह रही है, इफ वी फेल टू गेट द सेकंड डोज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ड्यू टू द पुअर और नो अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन, क्या होगा, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसको लेकर ट्विटर पे बहुत स्टॉर्म चल रहा है। तो इसमें एक चीज जो सामने आ रही है वो है पुअर मार्केट मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो यही से चीज को बारी बारी से हाईलाइट करने के लिए, ये सेकंड डोज में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज को दिखाने के लिए ये न्यूज को दर्शाया गया है, पब्लिश किया गया। नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पे देखिए, ये हो रहा है सेकेंड डोज वाली बात, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट न्यूज आइटम क्या है। आप देखेंगे नेक्स्ट न्यूज आइटम जो है वो और खतरनाक है, यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। ये रहा, सिक्स बॉडीज फाउंड फ्लोटिंग इन गंगा जी, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को कैसे इतना छोटा सा न्यूज रेलिवेंट है, देखिए किस तरह से इसको लिखना पड़ता है। देखिए, बॉडीज फ्लोटिंग एट महादेव रिवर इन बिहार, कुछ महीने एक आधा महीने पहले यहां पे भी बॉडीज तैर रही थी। और क्या हो रहा था, बिहार और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के बीच में ब्लेम गेम चल रहा था, ब्लेम गेम चल रहा है। लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मरने के बाद जो है उनको दाह ठीक से नहीं हो पा रहा है, उनका क्रियाकरण ठीक से नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये लोग ब्लेम गेम कर रहे हैं। तो सिमिलर एक और घटना इस बार फिर से घटी है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, जहां पे गंगा जी में छह बॉडीज आपको न्यूज में अभी अपने ने देखा। शियर इनसेंसिटिविटी इज वन इशू, जहां पे सवाल पूछा जाता है मेंस में, जब ये बॉडीज को फेंका जा रहा है पानी में तो पॉइजनस बॉडीज है जिसको डंप किया जा रहा है, तो रिवर बर्बाद हो रही है, रिवर बर्बाद हो रही है। साथ ही साथ जो लोकल रिवराइन सेटलमेंट्स है, मतलब अगर मान लीजिए ये नदी होती है तो यहाँ पे जो छोटे मोटे सेटलमेंट्स होते हैं वहां पे भी ये प्रॉब्लम ज्यादा फैलेगी। और फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये किस चीज के लिए भैया, जैसे मैंने पहले कहा था कि सिचुएशन ऐसी आ गई थी सेकंड वेव में कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है और क्रिमेटोरियम में जहां पे दाह होता है वहां पे दाह कराने वाली फैसिलिटीज नहीं है, सिचुएशन ये हो गई थी। दिस इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा इशू क्या है। नेक्स्ट देखिए एडिटोरियल्स है, बड़े बड़े दो तीन एडिटोरियल्स, दो बड़े बड़े एडिटोरियल्स। इसमें पूरा मुद्दा क्या है, इलेक्टेड ऑटोक्रेट्स देयर पैंडेमिक रिस्पॉन्सेस, नक्सल में समझते हैं, जैसे चैनल का नाम है नक्सल आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या इशू बोला, ये ऑटोक्रेट का मतलब क्या होता है, सॉर्ट ऑफ डेस्पोटिक। अब ये डेस्पोटिक लोग तो हैं लेकिन ये लोग इलेक्टेड हैं, हम लोगों ने चुना है, हम लोगों से गलती हो गई है, मैक्सिमम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दे आर रिस्पॉन्सेस इन द पैंडेमिक सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन में उनका रिस्पॉन्सेस क्या है, मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऑटोक्रेट का रिस्पॉन्सेस क्या है इस पैंडेमिक सिचुएशन में। इस आर्टिकल में तीन देशों का एग्जाम्पल लिया है, पहला यूएस, फिर ब्राजील, फिर हमारा प्यारा भारत। यूएस में डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने विलफुली शुरुआत में डाउनप्ले किया था क्राइसिस को, यार ऐसा कुछ खास नहीं है, तो ये चक्कर में क्या हो गया, यहाँ पे इनिशियली फर्स्ट वेव में केसेस बहुत बढ़ गए थे अमेरिका में। दूसरी तरफ जो ब्राजील है वहां पे बोल्सोनारो ने क्या कहा है, ये तो डिनायल मोड में चल रहा है, ये डिनायल मोड में चल रहा है और ये कह रहा है पैंडेमिक को एज अ लिटिल कोल्ड। आप समझ रहे डिनायल मोड में चलने का मतलब क्या, कितनी इरेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो सकती है। और तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने पहला क्राइसिस ठीक तरीके से कंट्रोल कर लिया था क्योंकि हम लोगों ने भारत ने बहुत पहले ही लॉकडाउन जो है वो लगा दिया था, लेकिन दूसरे वेव को बहुत ही पुअर मैनेजमेंट हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बहुत लोगों की जाने गई हैं। दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पे लोग अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर में देखते थे, फोटोज आते थे कि अपने अपने रिलेटिव्स की लाश को या तो कोई रिक्शा में ले जा रहा है या तो कोई ऑटो में ले जा रहा है, तो सिचुएशन ऐसी खराब हो गई थी, एम्बुलेंस में पड़े पड़े इंसान मर जा रहे थे। तो पूरे आर्टिकल का यही मुद्दा है कि इलेक्टेड मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी जो इसका कितनी बुरी तरीके से हनन किया गया है, ऑल्दो दीज लीडर्स आर इलेक्टेड। तो ये साफ साफ क्वेश्चन करता है पब्लिक को, हम किसे वोट दे रहे हैं, पब्लिक को समझना पड़ेगा कि हम किसे वोट दे रहे हैं, हमारा वोट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक मेन मुद्दा है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, डिजिटल इकोसिस्टम को कंट्रोल करने की बात करें, रेगुलेट करने की ना, तो कंट्रोल रेगुलेट। देखते हैं यहां पे क्या है, डिजिटल इकोसिस्टम जो है उसको रेगुलेशन की जरूरत है, ये तो बिल्कुल सही बात है। आए दिन उल्टे पुलटे कोई भी मुंह उठा के अपना लिख देता है, डेमोक्रेसी के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कोई भी आदमी जो है ऑनलाइन में एक्सपर्ट बना बैठा है, तो और ऊपर से क्या है, डिफेमेशन के केसेस होते हैं, लोग एक दूसरे को डिफेम करते हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि सरकार चाहती है कि अंडर रूल 4 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के तहत इंपोज करना चाहती है सोशल मीडिया पे कुछ ऑब्लिगेशंस, जिसके दौरान क्या होगा, सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन को ये प्रोवाइड करना पड़ेगा कि एक मैसेजिंग सेंड फंक्शन बने, एक मैसेजिंग फंक्शन बने, मतलब के आम भाषा में बताया जाए तो एक ग्रीवियंस जो इंसानों को हो रहा है सोशल मीडिया में, ये ग्रीवियंस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म हो, ग्रीवियंस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म हो, एंश्योर करने की बात कर रही है, ये पहला पॉइंट है। फिर एंश्योर करने की बात कर रही है ट्रेसिबिलिटी, ट्रेस करना चाहती है ओरिजिनेटर कौन है, ठीक है। हालांकि इससे क्या होगा, थोड़ा सा प्राइवेसी इशू पे हैम्पर करेगा, लेकिन प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक वेलफेयर, ये सोशल वेलफेयर, ये एक बैलेंस करने वाली बात है, इसी के ऊपर पूरा का पूरा मांजरा है। इसीलिए कई सारे सोशल मीडिया हैं, प्लेटफॉर्म्स जो कह रहे हैं कि हम अपने क्लाइंट्स के साथ प्राइवेसी इश्यूज को हैम्पर नहीं कर सकते हैं, तो सवाल अभी इसी के बीच में इर्द गिर्द घूम रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट देखिए रिकॉग्नाइजिंग द कास्ट बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। देखिए ये वाला जो मुद्दा है, ये मुद्दा काफी सीरियस मुद्दा है, इसको इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए यहां पे देखते हैं क्या है, सबसे पहली बात गैंग रेप जो हाथरस में हुआ था 2020 में, वो हमारे दिलो दिमाग में अभी भी फ्रेश है,
सही बात है। अब क्या हुआ है कि पटन जमाल वली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये एक रीसेंट जजमेंट है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये एक केस में कहा है कि जो विक्टिम है इस केस में, पटन जमाल वली वाले जो केस है, इस केस में विक्टिम जो है उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। बच्ची 22 साल की थी और वो अनफॉर्चुनेटली शिकान सी, वो ब्लाइंड थी और वो दलित थी, ठीक है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास एड्रेस करने का एक अपॉर्चुनिटी था कि वो जेंडर डिसेबिलिटी एंड इंटरसेक्शनलिटी ऑफ कास्ट को एड्रेस कर सके। कहने का मतलब यह है कि ऐसे सिचुएशंस में सेक्सुअल वायलेंस जो हो रहा है, दिस इज जस्ट एन आउटकम, दिस इज एन आउटकम, ठीक है। और रादर कई कई बार दिस इज अ मीन्स ऑल्सो दिस इज द रीजन एंड दिस इज द सफरर्स, अल्टीमेट सफरर्स। तो बेसिकली ये जो सेक्सुअल वायलेंस जेंडर और कास्ट का जो त्रिभुज बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट को इस वाले केस में मौका मिला था कि वो इस कास्ट वाले इशू को सेक्सुअल वायलेंस से रिलेट कर सके, जेंडर को कास्ट से रिलेट करके एक बढ़िया जजमेंट दे सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अपॉर्चुनिटी वो मिस कर दी है। कैसे मिस करी मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने पहली बात करी जो विक्टिम है वो 22 साल की लड़की है जो कि देख नहीं पाती है और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और वो एक दलित है। जब ये मामला ट्रायल कोर्ट में जाता है तो ट्रायल कोर्ट विक्टिम जो अक्यूज थे उनको कन्विक्शन देता है, उनको कन्विक्ट करता है अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी व्हिच इज रेप एंड सेक्शन 3 क्लॉज 2 क्लॉज सब क्लॉज 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट, ये एससीएसटी प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट 1989, ठीक है। अब बात क्या, जब ट्रायल कोर्ट ने ये जजमेंट दिया तो कन्विक्शन दो सेक्शन पे हुआ है, एक आईपीसी और एक पीओए, ठीक है। लेकिन जब इसको अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म करा उनकी कन्विक्शन को अंडर 376, जो कि अच्छी बात है, लेकिन सेट असाइड कर दिया सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 ऑफ पीओए एक्ट को। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपॉर्चुनिटी थी, वो रिकॉग्नाइज करे इंटरसेक्शनलिटी ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय द वुमेन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कोई पहली केस नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे केसेस इस आर्टिकल में जिक्र किया गया, मुद्दा यह है कि नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट जो है या जुडिशियरी जो है ये चीज को, जैसे जब भी कोई सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 376 पे ही फोकस करें, कास्ट के ऊपर वाला जो एक्ट है उस पर ना जाए। वजह क्या है, जो प्रीटेक्स्ट है वो ये है कि कास्ट के ऊपर जाता है तो काफी मिसयूज हो सकता है। हालांकि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ऑन एट्रोसिटीज एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरीके की हाई एक्विटल रेट होती रही, पीओए एक्ट की एप्लीकेशन नहीं हुई तो क्या होगा, तो इट विल मोटिवेट एंड बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द डोमिनेंट कास्ट एंड द पावरफुल कम्युनिटीज टू कंटिन्यू दिस सॉर्ट ऑफ परपेट्रेशन, ठीक है। तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा ये चीज। चलिए जो आखिरी टॉपिक है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है आखिरी टॉपिक इस न्यूज पेपर में, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट क्या है, तुरंत पढ़ लेते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन नॉर्मली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इस पे जो इशू बना है दिल्ली हाईकोर्ट में वो क्या है, वो ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटिशनर ने फाइल किया है केस कि फिलहाल के लिए इसकी जो कंस्ट्रक्शन काम है इसको बंद किया जाए और इसकी जो डेडलाइन है उसको और एक्सटेंड किया जाए बिकॉज ऑफ द कोविड क्राइसिस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने इस पब्लिक इंटरेस्ट को, जो केस बना था इसके ऊपर उन्होंने जजमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो एक एसेंशियल पार्ट है पब्लिक इंटरेस्ट का, इसको रोका नहीं जा सकता, नंबर वन। टू, सुप्रीम दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया पिटिशनर को और ये कहा इट कांट बी डिलेड और स्टॉप्ड बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में वहां पे डीडीएमए जो अथॉरिटी है, दिल्ली म्युनिसिपैलिटी डीडीएमए की जो अथॉरिटी, उनके जो कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस उसको फुलफिल किया जा रहा है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये कहा जा रहा है कि ये जो पिटिशन किया गया ये काफी सिलेक्टिव है, बहुत सिलेक्टिव, मतलब ऐसा लग रहा है कि दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दिल्ली गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है जिसके ऊपर कोई केस नहीं कर रहा है, मतलब क्योंकि ये सेंट्रल विस्टा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है इसलिए इस पर केस बन रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है इज वेरी सिलेक्टिव। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और इसके बाद एक और चीज कहा गया कि जो डेडलाइन दी गई है वो नवंबर 2021 का है, टारगेट ये कि हम लोग इसको शोकेस कर सके 26 जनवरी में, तो इसको डिले नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जो पिटिशनर की तरफ से आर्गुमेंट दी जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक्चुअली में इसको दूसरा नाम देना चाहिए, सेंट्रल फोर्ट्रेस ऑफ डेथ। इन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रोजेक्ट को आप ऑस्ट्रिच से कंपेयर कर सकते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन कैंप्स जो पोलैंड में एस्टैब्लिश किए गए थे, सेटअप किए गए थे बाय द नाजीज। अब इस चीज को काफी क्रिटिसिज्म किया गया है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है कि एक तरफ ये पूरा आर्गुमेंट जो हुआ है वो कंस्ट्रक्शन का काम कोविड क्राइसिस में क्यों हो रहा है, जिसको दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। लेकिन एक और आर्गुमेंट हो सकता था कि जो पैसा यहां पर लगाया जा रहा है, ये पैसा आज के तारीख में जहां पे पैसों की इतनी कमी है क्राइसिस में, अभी इसको यूज क्यों किया जा रहा है, व्हाई? दिस इज बेसिकली द मिसमैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड, ये क्यों किया जा रहा है, इसके ऊपर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो आप लोगों को इस तरीके से समझना पड़ेगा। और देखिए कितनी आसानी से 5 पेज में आपने इतने डिटेल में पढ़ लिया, हिंदू को अपने हाथों से लिख लिया, आपको याद हो जाएगा। आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है कि पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि मैं ऐसे वीडियोस और ला सकूं।
इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच।